दिल्ली के बुलंदशहर में एनआईए की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की कार्रवाई की। वहीं एनआईए की टीम ने देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव कलौली के हबीब नाम के एक व्यक्ति को साथ ले गई। जो टीम आई थी उसने क्या किया यहां पर आके? एकदम बिगर ताले खुले एकदम अंदर आ गए, फिर हम अंदर सो रहे थे, फिर बाहर देखने की चाबी लाओ इतना हम चाबी लाए थे, इतने ताला तोड़ दिया। उन्हें साथ रखे, पता ना उन्होंने क्या कही, यहाँ बैठा दी, अंदर रखी। इतनी देर रहे यहाँ पर? तीन चार घंटे क्या करते रहे? कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, ऐसे ढोलते रहे, सुते रहे। कई घंटे, मतलब जो है ये करने के बाद किसी भी गांव को ने निकल दिया इन्होंने, और उसके बाद मेरे ख्याल में 7 बजे करीब उसको हबीब को ले गए, वो चले गए। ये हबीब क्या करते हैं? ये सऊदी रहते हैं, ये अभी आए हैं, मतलब एक आध महीना हुआ होगा इन्हें, और जो है अपनी छोटी सी यहाँ परचूने की दुकान कर ली आखिर ये, और जो है कुछ बताया नहीं, काफी पूछने की कोशिश की। सऊदी में क्या करते थे? तो यहाँ आके किसी को मतलब उन्होंने बताया भी नहीं कि भाई इसको इसलिए ले जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, काफ़ी कोशिश की पूछने की, मतलब पब्लिक को किसी को पास नहीं आने दिया उन्होंने पूरा, जैसे वो एक आतंकवादी होते हैं वो रूप खुद उन्होंने यहाँ पे दिखाया। अब फिर वो थाने पहुँचे तो हम थाने गए, तो वहाँ से वो ये कह रही हैं कि हम जो है तुम्हें 5 बजे करीब या सुबह खबर देंगे जैसे।